प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे जीवन में संवाद का बहुत महत्व है, और एक व्यक्ति जब दूसरे से संवाद करना चाहता है उसके लिए अनेक साधनों की व्यवस्था की गई है, जैसे पत्र लेखन, मोबाइल, इंटरनेट। इस तरह से न जाने कितने साधन हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के बीच संवाद करते हैं। इन सभी साधनों में जो पत्र लेखन है वह बहुत ही चिरपरिचित और आज के समय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज जो चर्चा का विषय है वह है पत्र लेखन कला, और इसके अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमें बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि हमारे ग्रंथों में कहीं कहा गया है कि कबूतर के माध्यम से संवाद स्थापित किए जाते थे, दूसरे को संदेश पहुंचाया जाता था। कहीं कालिदास की रचनाओं में आता है कि काले मेघ संदेश लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से संदेश पहुंचाने का, संवाद स्थापित करने का जो विधान हमारे पूरी परंपरा में रहा है वह बड़ा ही अद्भुत है, वह एक तरह से विचारणीय है। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम पत्र लेखन की बात करते हैं तो उसके भी बहुत से क्षेत्र उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि जब पत्रों की बात होती है तो उसमें व्यक्तिगत पत्र भी आते हैं, जिसमें हम माता पिता और भाई बहन को पत्र लिखते हैं, दोस्तों को पत्र लिखते हैं, जिसे अनौपचारिक पत्र के रूप में जाना जाता है। तो दूसरी ओर औपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें व्यवसायी पत्र भी होते हैं, आवेदन पत्र भी होते हैं, उसके अलावा जो कार्यालय में दिन प्रतिदिन के काम हैं उसके लिए जो पत्र व्यवहार होता है उसका एक अलग स्वरूप होता है। तो आज हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू में हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें पत्र लेखन का जो पूरा स्वरूप है उसकी एक तस्वीर आपके सामने उपस्थित होगी। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने लेखन कौशल से संबंधित पाठों में से पत्र कैसे लिखें पाठ पढ़ा होगा। आइए इस पाठ के सार को समझने का प्रयास करते हैं। जीवन के विभिन्न अवसरों पर हमें पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। कुछ पत्र हम व्यक्तिगत संबंधों में लिखते हैं तो कुछ व्यावसायिक तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में। इन्हें क्रमशः अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में कथ्य की विविधता होती है, लेकिन कुछ ढांचागत आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे प्रेषक के विषय में जानकारी, पत्र लिखने की तिथि, पत्र का संदर्भ आदि। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने की गुंजाइश नहीं होती। व्यावसायिक पत्रों में सूचनाओं का अत्यधिक महत्व होता है। समय के साथ साथ हो रहे प्रौद्योगिक विकास ने भी पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन किया है। इंटरनेट पर ईमेल तथा मोबाइल पर एसएमएस पत्रों के ही नए रूप हैं। इनकी लेखन कला भी भिन्न है। शिक्षार्थियों, जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा उससे स्पष्ट होता है कि पत्रों के मुख्य दो प्रकार हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों का आज के समय में प्रयोग बहुत कम हो गया है, ये तो सही है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे शौकीन लोग हैं जो पत्र के बिना, जिसे कह सकते हैं, अस्तित्व नहीं मानते हैं। जैसे बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो आज भी पत्र व्यवहार करते हैं, और जो पहले हम भी पत्र लिखते थे उसके एक एक शब्द में उसका जो प्रभाव होता था वो बड़ा ही मार्मिक होता था, और हम एक पत्र को कई बार पढ़ते थे क्योंकि वह हमारी संवेदना को छूता था और हमारे मन मस्तिष्क में आनंद की सृष्टि करता था। अनौपचारिक पत्रों का जो एक व्यापक संसार रहा है उससे हम नकार नहीं सकते। साहित्यिक विधा में पत्र का एक विशेष योगदान रहा है, उसकी एक अलग विधा, पत्र विधा चलती रही है। जब हम औपचारिक पत्रों की बात करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कार्यालयों में होता है, क्योंकि दैनिक कामकाज में
एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच जो संवाद स्थापित किया जाता है उसका सबसे सशक्त माध्यम कार्यालयी पत्र ही होते हैं। उसके भी अनेक प्रकार हैं, उसमें कार्यालयी पत्र होते हैं जिसमें आदेश होता है, अधिसूचनाएं होती हैं और न जाने इस तरह से कितने परिपत्र आदि भेद उसके किए जाते हैं। तो पत्र लिखने की जो कला है उसको जानने के लिए पत्र के जो अंग हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक प्रारूप होता है। उस निश्चित प्रारूप में अगर आप पत्र नहीं लिखेंगे तो उसे गलत माना जाता है। उसके मुख्य जो प्रारूप हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले उसमें पता और तिथि लिखते हैं। जहाँ से आप लिख रहे हैं, दिल्ली से लिख रहे हैं तो दिल्ली लिखेंगे और आज की तिथि लिखेंगे। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग होता है वह होता है संबोधन। आप किसको संबोधित कर रहे हैं? अनौपचारिक पत्रों में माता पिता को जो संबोधन होता है उसका स्वरूप बदल जाता है, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, इस तरह से अनौपचारिक पत्रों में होता है। लेकिन जब आप औपचारिक पत्रों में आएंगे तो प्रिय महोदय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका जो विषय वस्तु है, मूल जो ढांचा है उसका, उसको लिखने का कौशल आना चाहिए। किस तरह से हम उस विषय को स्पष्ट रूप से कम शब्दों में जाहिर कर सकें, यही कला होती है। और जो अंतिम इसका अंग होता है, समापन। समापन का अर्थ होता है कि आप मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र को आपका मित्र लिखेंगे, पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र लिखेंगे। लेकिन अगर आप कार्यालय पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ सामान्य तौर पर भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन चार अगर अंगों का आपने ठीक से पत्रों में उपयोग किया तो निश्चित रूप से आपका पत्र प्रारूप के ढंग से बहुत ही उचित होगा। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ पत्रों के नमूने दिखाए जाएंगे जो कि अनौपचारिक पत्र के भी हैं, औपचारिक पत्र के हैं, व्यावसायिक पत्र के हैं और कार्यालयी पत्र के हैं। इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के पत्रों का जो ढांचा होता है वह विभिन्न प्रकार का होता है। अब हम आपको मुख्य बिंदु एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे जिसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है पत्रों का और किस तरह से आप संबोधन लिखेंगे, उसका प्रारंभ कैसे करेंगे। ये सारी बातें आपको अभी ये मुख्य बिंदु के माध्यम से स्पष्ट होंगी। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक पत्र आते हैं जिनमें पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र, बैंक मैनेजर आदि या इनके द्वारा परस्पर लिखे गए पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों में ही आवेदन पत्र भी आते हैं जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं या कार्यालय के लोग आपस में लिखते हैं। कार्यालयी पत्रों में कार्यालयी संस्था आदि द्वारा परस्पर या किसी व्यक्ति को पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र पाए जाते हैं जिनमें बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र या ऐसे ही अन्य पत्र आते हैं। पत्र के अंगों पर चर्चा करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता और तिथि, संबोधन तथा अभिवादन, विषय वस्तु, इसके बाद समापन। संबोधन भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अलग अलग ढंग से पाए जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों के संबोधनों में जब संबोधन किया जाता है तो बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे या बराबर वालों के लिए प्रिय या उसका नाम, प्रियवर, प्यारे या उसका नाम आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कार्यालयी पत्रों में संबोधन प्रायः नहीं होता। अर्ध सरकारी पत्रों में प्रिय के बाद नाम या महोदय शब्द का इस्तेमाल होता है। व्यावसायिक पत्रों में प्रिय के बाद नाम लिखा जा सकता है या महोदय लिखा जा सकता है या प्रिय महोदय भी लिखा जा सकता है।
अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन, बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल आदि, इसके साथ साथ चरण स्पर्श आदि। छोटों के लिए स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद, चिरंजीव रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। औपचारिक पत्र संबोधन के बाद तुरंत शुरू हो जाते हैं। विषय वस्तु के अंत में आने वाले वाक्यांश, शब्द, शेष अगले पत्र में अपना ख्याल रखना, हार्दिक शुभकामनाओं सहित सद्धन्यवाद, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में आदि का प्रयोग किया जाता है। समापन शब्दों को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अध्यापक को अक्सर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है। माता पिता को आपका बेटा अथवा बेटी लिखा जा सकता है। मित्र को तुम्हारा अथवा तुम्हारा मित्र लिखा जाता है। छोटों को शुभ चिंतक या शुभेच्छु आदि लिखा जाता है। निमंत्रण पत्रों में समापन शब्द अलग ढंग से होता है, जैसे दर्शनाभिलाषी, और औपचारिक पत्रों में समापन भवदीय या आपका होता है। आवेदन पत्र में समापन शब्द होते हैं भवदीय, प्रार्थी, विनीत। प्रिय शिक्षार्थियों, पत्र लेखन के संदर्भ में कुछ बातें जानना अनिवार्य है। व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा परिवार की बातें अनौपचारिक पत्रों में होती हैं। औपचारिक पत्र या तो कार्यालय से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक। पत्र में पता जरूरी है। पहले पता व दिनांक दाईं ओर ऊपर लिखे जाते थे, पर अब इन्हें बाईं ओर भी लिख दिया जाता है। आत्मीय संबोधनों जैसे प्यारे भैया, मेरी प्यारी माँ आदि के बाद कई बार अभिवादन का शब्द नहीं लिखा जाता। संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के शब्द के बाद पूर्ण विराम या संबोधन चिन्ह अवश्य लगाया जाना चाहिए। समापन शब्द संदेश की समाप्ति के बाद नई पंक्ति में लिखा जाता है। इसके बाद अल्प विराम या निर्देश चिन्ह लगाते हैं। समापन शब्द के नीचे हस्ताक्षर नाम लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों का विशिष्ट गुण है अंतरंगता। औपचारिक पत्रों का विशिष्ट गुण है संक्षिप्तता और स्पष्टता। ईमेल में पत्र का प्रारूप वही रहता है, पर उसे संक्षिप्त रखा जाता है। SMS लघु संदेश हैं, इनमें सिर्फ उतना ही लिखते हैं जिससे संदर्भ स्पष्ट। अभी आपने विद्यार्थियों जो वीडियो देखा, उसमें विस्तार से पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरह से पत्रों का स्वरूप होना चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु जो उभर कर आता है वह है कौशल विकास का। भाषा और साहित्य आपके कौशल का विकास करता है। केवल भाषाई विकास नहीं होता, बल्कि वह आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारता है। जैसे पत्र लेखन को अगर हम देखें तो पत्र लेखन क्या करता है, आपको आपकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं उसको समझने और प्रकट करने की क्षमता का विकास करता है। आप किस तरह से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं को किस तरह से प्रकट करते हैं, ये सारे कौशल आपको उभर कर सामने आते हैं। और दूसरी बात है कि सामाजिक जीवन में आपकी जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि अगर आप संपादक को पत्र लिखते हैं, आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तो जो सामाजिक जागरूकता है, समस्याओं के प्रति आपका जो अलर्टनेस है वो दिखाई देता है, और आप सामाजिक चुनौतियों के प्रति बहुत ही जागरूक हो जाते हैं। तीसरी बात जो उभर कर आती है कि समस्याओं के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वह व्यापक बनता है, क्योंकि हम जब लिखने बैठते हैं तो विभिन्न समस्याओं पर चिंतन मनन करते हैं, और तब समस्याओं के अनेक रूप उभर कर सामने आते हैं। व्यावसायिक जीवन में पत्र व्यवहार का बहुत ही लाभ है, क्योंकि जब आप कार्यालय में कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पत्र लेखन में माहिर होंगे, आपको उतनी सुविधा होगी और आप अच्छी तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकेंगे। आज के समाज में अगर देखा जाए तो पत्र लेखन में जो नवीनता आई है, इसमें ईमेल और SMS आदि नई तकनीकों का जो प्रयोग हुआ, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए भी आपको पत्र लेखन कला, अभिव्यक्ति कला का विकास करना जरूरी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पत्र कला का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, और यह पत्र
हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमारे व्यक्तित्व को एक नया रूप देता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी कुशलता का विकास होता है और हम एक कला से परिचित होकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आज हमने विस्तार से पत्र लेखन कला पर विचार किया और हमें उम्मीद है कि अगर आप इसका पालन करेंगे तो पत्रकला के जो गुण हैं उसको अपने अंदर विकसित करेंगे और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे।